आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। मार्च 2020 में आई फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ये डायलॉग मिडिल क्लास के सपनों को पंख देता आया है। ये फिल्म एक ऐसे कलाकार की आखिरी फिल्म थी जिसने अपनी फिल्मों में अपने हर किरदार को जिया है। हम बात कर रहे हैं इरफान खान की। भारतीय सिनेमा का ये मजा हुआ कलाकार 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। इरफान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इरफान को क्रिकेटर बनना था लेकिन किस्मत उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ले आई। यहाँ उनकी मुलाकात सुतापा सिकंदर से हुई जिनसे बाद में इरफान ने शादी की। इरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई पूरी कर मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया। 1988 में आई सलाम बॉम्बे इरफान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में इरफान को एक छोटा रोल मिला, इतना छोटा कि शायद किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा कि ये दुबला पतला लड़का कौन है। इसके बाद कई फिल्मों में इस तरह के रोल करते रहे लेकिन जिस स्टारडम के वो हकदार थे वो उन्हें नहीं मिली थी। 2003 में हासिल फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद मकबूल। यहाँ से इरफान को प्रसिद्धि मिलने लगी, उसके बाद इरफान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2012 में इरफान की फिल्म आई, नाम था पान सिंह तोमर। इस फिल्म में इरफान ने बीहड़ के डाकू का किरदार निभाया। इसके लिए इरफान को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म के एक सीन ने खूब वाहवाही बटोरी, जब सिस्टम से निराश और बंदूक उठा चुका पान सिंह तोमर बोलता है कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद तो उनके काम का डंका बोला। बॉलीवुड में पीकू हिंदी मीडियम, तो हॉलीवुड में स्लम डॉग मिलियनियर, द अमेजिंग स्पाइडर मैन, जुरासिक वर्ल्ड में उनके किरदारों ने खूब प्रभावित किया। एक लंबे संघर्ष के बाद इरफान को शोहरत मिली थी, पर 2018 में इरफान को पता चला कि वे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इलाज के लिए विदेश में भी रहे, लगा कि सब ठीक हो रहा था, तब 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में ही उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से हमने इस बेहद छोटे से वीडियो में इरफान सर के बारे में बात किया। आप कमेंट सेक्शन में इरफान सर के बारे में जरूर कुछ बताइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।